ऐसा तो नहीं है कि कल तो कोई चीज हराम रही हो आज हलाल हो जाए, ऐसा तो नहीं है। वो तो हुक्म हमेशा एक रहेगा। आग कल भी जलाती थी आज भी जलाएगी, बिच्छू का डंक कल भी हमारे लिए नुकसान दे था आज भी नुकसान दे है, सांप कल भी काटने से सांप के मरता था इंसान आज भी सांप के काटने से मरेगा। ऐसा थोड़ी ना कल तक कोबरा हमारे लिए नुकसान देता आज कोबरा को मैं जेब में रख के घूमूं, वो कोबरा हमारे लिए नुकसान दे नहीं रहा। मौकिफ हमेशा एक होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा दीनी भाइयों और बहनों हमारी जिंदगी में मेयार है। बुर्का हमारी जिंदगी में आया, पहले औरतें ऐसे बुर्का पहनती थी कि ये मालूम नहीं होता था कि दूर से देखो कि औरत का चेहरा किधर है। यकीनन आज भी बहुत सारी खवातीन अल्लाह की बंदियां हैं ऐसे बुर्के पहनती हैं कि दूर से इंसान देखे तो ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये खातून जो है इसका चेहरा किधर है। लेकिन उसी जमाने में धीरे धीरे ऐसे बुर्कों ने जगह लिया जो बुर्के नॉर्मल लिबास से ज्यादा अट्रैक्टिव थे। यानी एक औरत अगर नॉर्मल लिबास पहन के जाए तो लोगों की निगाह उस पर कम पड़ेगी, लेकिन वही खातून जब एक खास किस्म का चटक मटक वाला भड़कीला वही बुर्का 4,000, 5,000, 10,000 अपने शौहर के इनकम के हिसाब से खरीदती है और पहनती है तो जिसकी निगाह नहीं उठनी होती उसकी भी निगाह उठती है। और होता क्या है, ये बुर्का पहले दीनदारों के यहां मायूब था, फिर धीरे धीरे वो बुर्का हमारे घरों की दीनदार खवातीन भी अपने साथ खरीद लाई और हम भी देखते हैं अपनी बेटियों को पहनते हुए, अपनी बीवी को पहनते हुए, अपनी माँ को पहनते हुए। हमें गैरत नहीं आती, तंग है, चुस्त है, ट्रांसपेरेंट है, एकदम रिवीलिंग है, मुनक्कश है, उस पर हर किस्म के जेब व जीनत किए हुए हैं, हर किस्म के उस पर कढ़ाई बुनाई की हुई है, उस पर मोती वगैरह जड़े हुए हैं, जो भी आप देख लें। आज हम खुशी के साथ हम जाते हैं अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को उसे खरीद कर देते हैं, पहनाते हैं और वही पहन के घूमती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कल जब मेरी निगाह किसी दूसरी खातून पर पड़ी थी तो हमने अपनी निगाह फेर लिया था कि कैसी औरत है ये, कैसा इतना तंग और चुस्त बुर्का पहन के घूम रही है। लेकिन धीरे धीरे हमारे मौकिफ में लचक आया, हमारा स्टैंड कमजोर पड़ा, शरीयत की पकड़ हमारे ऊपर ढीली पड़ी और हमारा मौकिफ भी बदल गया। हम भी अपने घरों में वही बुर्के और वही लिबास और वही पोशाक जो कल तक हमें बुरा लगता था हम भी खरीद लाए, हमारे घर की खवातीन भी वही पहनने लगी। ये वो मौकिफ है दीनी भाइयों जहां पर हमें अंदाजा होता है कि हम फितने में मुब्तला हो गए।